हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ अफशा। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले। छोले खाना सबको पसंद है, जिसे हम रोटी चावल भटूरे के साथ भी खा सकते हैं। तो छोले बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ सफ़ेद चने चाहिए। तो इसे हमने ओवरनाइट सोख होने के लिए रख दिया था और ये 300 ग्राम चने हैं और 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं। तो अब हम इसे एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आलू को छोले के ऊपर ही रखें। अब इसमें हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। 2 दालचीनी के पीस, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी हरी इलायची, 5 से 6 काली मिर्च, 4 से 5 काली लौंग। और इसमें इतना पानी डालेंगे कि हमारे आलू और छोले पानी में डूब जाएं। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि हमारे छोलों में नमक का टेस्ट आ जाए। और फिर इन सबको अच्छे से चला के प्रेशर कुकर की लीड लगा देंगे और प्रेशर कुकर को गैस पे रख देंगे। जब एक सीटी आने वाली होगी तो हम लो फ्लेम करके इसे 60 मिनट तक पकाएंगे। 60 मिनट बाद जब इसका प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो अब हम इसे खोल कर देखेंगे। तो हमारे छोले यहाँ अच्छे से गल चुके हैं। छोलों को उबालते वक्त छोलों को पूरी तरह से उबालें, क्योंकि पकते टाइम छोले पूरी तरह से नहीं पकते, तो इसलिए छोलों को आप पहले ही अच्छे से उबालें। तो हमने आलू और छोले दोनों निकाल लिए हैं और पानी प्रेशर कुकर में ही छोड़ दिया है, जो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ एक भगोने में 1 कप तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम 1/2 टेबल स्पून इसमें जीरा डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और गैस फ्लेम लो रखेंगे। 4 से 5 मीडियम साइज़ की टमाटर प्योरी ऐड करेंगे, जिसे काट के हमने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, हींग 1 पिंच, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। साथ में ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून छोले चना मसाला। और इस मसाले को चलाते हुए अब हम अच्छे से भूनेंगे। तो इस स्टेज पे आप गैस फ्लेम मीडियम टू हाई एडजस्ट करते रहिए और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए। तो अब देखिए, हमारा मसाला यहाँ अच्छे से भुन चुका है। तो इस स्टेज पे अब हम ऐड करेंगे छोलों का बचा हुआ पानी। पानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू आप चाहे मैश करके भी डाल सकते हैं या इस तरह से हाथ से तोड़ के भी डाल सकते हैं। इस तरह तोड़ के आलू डालने का मकसद ये है कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अच्छी होना। तो अब हम इसमें एक उबाल ले लेंगे। उबाल लेने के बाद हम इसमें अपने छोले ऐड कर देंगे और इस तरह से थोड़े से छोलों को मैश कर देंगे। इससे हमारी ग्रेवी में अलग ही जायका आता है और ग्रेवी थिक बनती है और पकते हुए के बीच में ही थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें और साथ में ऐड कर दें 4 हरी मिर्चें और 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर पकाएं। 5 मिनट बाद गैस फ्लेम ऑफ कर दें। तो अब हम लगाएंगे छोक। एक पैन ले लिया और उसमें हमने 1/2 कप तेल डाल दिया और उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया और गैस ऑफ करके हमने 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी और अपना छोले के ऊपर इसमें छोक लगा दिया। फिर हमने इसे कवर कर दिया ताकि हमारे छोक का फ्लेवर पूरे छोलों में आ जाए। 1 सेकंड बाद हम इसे खोल के देखेंगे तो देखिए हमारे छोलों का कलर कितना बेहतरीन आया है। तो हमारे जायकेदार छोले बन के तैयार हैं। पानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जब भी छोले बनाएं तो उसे ओवरनाइट सोक करें। छोलों को सोक करते वक्त पानी में थोड़ा सा सोडा डाल दें। सोडा डालने से ये होता है कि छोलों का साइज़ बड़ा हो जाता है और सॉफ्ट उबलते हैं और आप ग्रेवी की थिकनेस देख सकते हैं। ऊपर से इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और ऐड कर दें।
तो आप इसे पूरी, चावल, भटूरे के साथ भी खा सकते हैं। तो अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। इसके साथ में हमने सर्व किया था पूरी, लच्छे वाली प्याज और दही की ग्रीन चटनी। तो यहाँ हमारे छोले बहुत ही जायकेदार बनके तैयार हुए हैं। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।